एक्चुअली अभी लोग मुझे डॉक्टर हाथी के नाम से ही जानते हैं, मेरे पर्सनल नाम से कम जानते हैं, और मैं इस नाम के साथ खुश हूँ। वैसे मेरा नाम कवि कुमार आज़ाद है, और आप लोग तो जानते ही हैं मेरे खाने पीने का रोल है। मैं डॉक्टर हूँ, मस्त रहता हूँ, खाता पीता रहता हूँ और इन्जॉय करता रहता हूँ लाइफ में, और रियल लाइफ में भी वैसा ही हूँ मैं। एक्टिंग के अलावा और क्या शौक रखते हैं? और एक्टिंग के अलावा लिखने का शौक है, और इसके अलावा मेरा एक छोटा सा बिजनेस भी है। मैं खाने का ही बिजनेस है, कुसुम रोल्स के नाम से एक मेरी दुकान है जो ईश्वर की कृपा से काफ़ी अच्छी चल रही है। मीरा रोड में है, एक मलाड़ में है, तो सब बढ़िया है। खाने पीने की चीज़ों के साथ आप जुड़े हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक नया रेस्टोरेंट भी ट्राई कर रहे हैं हम लोग और लेके आने का। अच्छा, ये जो पहचान है आपकी, जहाँ पर भी जाते हैं तो लोग आपके असली नाम से कम और इस नाम से ज़्यादा जानते हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मैं बहुत पॉजिटिव देखता हूँ, क्योंकि कहाँ, मतलब मेरे नाम के साथ ही या हमारे हर करेक्टर के नाम के साथ ही लोगों के जुबान पे मतलब पॉजिटिव वर्ड्स भी आते हैं, चेहरे पे खुशी आती है, तो बहुत पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है? क्योंकि हाँ, सीरियल में हम हमेशा आपको देखते हैं दवाइयों के बारे में बात करते हुए, जो बीमार है उनका इलाज करते हुए, तो असल ज़िंदगी में कभी लोग आपसे पूछते हैं कि डॉक्टर हाथी जी कुछ बताइए हमें भी? हाँ, पूछते हैं और मैं बताता हूँ कि ऐसा नहीं भाई, मैं रियल लाइफ डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिवनेस से बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। हंसते रहो, कोशिश करो, स्ट्रेस लेवल किसको नहीं आता है, लेकिन मतलब काउंट डाउन है, ज़िंदगी का हर पल हम खोते जा रहे हैं, टाइम नेवर कम्स बैक, तो सारी चीज़ें वक्त बेवक्त ठीक हो जाती हैं, इसलिए बी कूल। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा कैसे आपको मिला, और इस सीरियल के अलावा हमने आपको कहीं और नहीं देखा, तो क्या एक्टिंग के लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, मैं 94 में मैं घर से भाग गया था, तारक मेहता तो 2008 में मुझे मिला, तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, छोटी छोटी फिल्म में, छोटे छोटे सीरियल्स में काफ़ी काम किया है, जोधा अकबर जैसी फिल्म में काम किया है मैंने, राजकुमार हिरानी जी जैसे डायरेक्टर के साथ इसके पहले ऐड किया, और भी काफ़ी सीरियल्स किए, लेकिन पहचान जो है और पूरा मुकाम जो है वो तारक मेहता से ही मिला। तब तक तो बहुत स्ट्रगल था लाइफ में, लेकिन अब भी सारी चीज़ें कूल डाउन होती जा रही है। मैंने सब कुछ पाया है इस सीरियल से, इसके पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज मेरा खुद का घर है, मेरे पास खुद की गाड़ी है, ड्राइवर है, मेरे काफ़ी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात, लोगों के चेहरों पे जो मुस्कान मिली है इस सीरियल के बाद, जो देखते अरे, तो वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच।